नमस्कार, मैं कनक, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबर। आज तक भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिनिधियों और पुलिस विभाग के अधिकारियों के माध्यम से हम जैसे आम लोगों के साथ हुए अन्याय को न्याय दिलाने के लिए किसी भी सुरक्षा विभाग ने तत्काल कार्रवाई नहीं कर दी, और ये सब सत्ता पक्ष और विपक्ष की आंखों के सामने होते हुए भी कोई राजनीतिक दल आम लोगों को न्याय देने के लिए आवाज नहीं उठाता। लेकिन जब राजनीतिक दल उद्धव ठाकरे, शिवसेना दल के वरिष्ठ नेता संजय राउत को ईडी विभाग ने झूठे मामले में जमानत दे दी, उसी वक्त पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ईडी विभाग बंद करने की मांग की। ये मांग शायद सही भी हो सकती है, लेकिन इसी तरह पिछले 2 साल में मेरी माँ और पिताजी पर 2 झूठे मुकदमे दाखिल करने वाले और हमारे वार्ड में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी करने वाले जनप्रतिनिधियों के खिलाफ पहली रिपोर्ट दर्ज करने के मामले में माननीय न्यायालय का आदेश प्राप्त करने की समय लेने वाली और महंगी सलाह देने वाले भ्रष्ट नेता छाणे निष्पाप जननी गृहणालय, इस राक्षसी घोष पंक्ति का व्यापार करने वाले महाराष्ट्र पुलिस विभाग को भी बंद करने की हमारे परिवार की मांग सही होने का एहसास हो रहा है। राजकीय लोक प्रतिनिधी आणि पोलीस विभागातील अधिकाऱ्यांमार्फत आमच्या सारख्या सामान्य जनतेवर होणाऱ्या अन्यायाला न्याय मिळवण्यासाठी उचित कारवाई कोणत्याही सुरक्षा खात्याकडून तात्काळ होत नाही। हे सर्व सत्ताधारी आणि विरोधी पक्ष यांच्या डोळ्यासमोर असून सुद्धा कोणीही सामान्य जनतेसाठी आवाज उठवत नाही। पण हे जेव्हा राजकीय पक्ष उद्धव ठाकरे, शिवसेना गटाचे वरिष्ठ नेते संजय राऊत यांच्यावर जेव्हा ईडी विभागामार्फत खोटा गुन्हा बाबत जामीन झाल्यावर माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे साहेब यांनी ईडी खातं बंद करण्याची मागणी केली, ती कदाचित योग्य असेल। पण अशाच प्रकारे गेले 2 वर्षात माझ्या आई वडिलांवर 2 खोटे गुन्हे लागणारे आणि याला कारणीभूत असणारे आमच्या प्रभागातील भ्रष्ट आणि गुंडगर्दी करणारे लोकप्रतिनिधी यांच्यावर प्रथम खबर दाखल करण्यासाठी माननीय न्यायालयाचा आदेश आणण्याचा वेळ काढून आणि खर्चिक सल्ला देणारे भ्रष्ट नेता रक्षण आयोग निष्पाप जनमिग्रण आयोग या राक्षसी ब्रीत वाक्याचा वापर करणारे महाराष्ट्र पोलीस खाते सुद्धा बंद करण्याची आमच्या कुटुंबाची मागणी योग्य असल्याचे जाणवत आहे। त्यामुळे माननीय उद्धव ठाकरे साहेब, आपण जेव्हा सत्तेत असताना महाराष्ट्र शासनाने माझ्या कुटुंबाला न्याय दिला नाही, निदान आपण आता विरोधी पक्षात बसल्यावर तरी आमच्या कुटुंबाला न्याय मिळेल अशी आशा आहे। आणि हे जर शक्य झाले तर त्याच वेळी हिंदू हृदयाचे सम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांच्या विचारांचेच नाही तर छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचारांचे खरे वारस कोण हे ठरले जाईल। मी यक्षश्री मिलिंद मानकामे, नवीन पनवेल येथील भाटे इंग्लिश मीडियम शाळेत 4th मध्ये शिकत आहे। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।